नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है ऐसा किसी के लिए भी अहम है ऐसे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने और उसे सहजने के लिए हर प्रयास करते कर, करते हैं और करने के लिए तैयार रहते हैं दुनिया भर के लोग दुनिया भर के लोग पैसे सुरक्षित रखने के लिए या फिर ज़्यादा कमाने के लिए कई अजीब मान्यताओं में विश्वास रखते हैं अलग अलग देशों में कई अजब गजब मान्यताएँ हैं चीन से लेकर इंग्लैंड तक कई देश ऐसे हैं जहाँ पैसों से जुड़े कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जिन पर आपको विश्वास करना मुश्किल होगा अर्जेंटीना में पैसे से जुड़ी एक प्राचीन मान्यता है कि अगर आपको रास्ते में पैसा पड़ा मिले तो इसका मतलब है कि गुडलक आपके पास पैसा आने वाला है लेकिन इस पैसे को आप खर्च भी नहीं कर सकते प्राचीन मान्यता के अनुसार इस पैसे को खर्च करने और वापस लौटाने से गुडलक भी वापस चला जाता है इसलिए पैसे को वापस लौटाने के बजाय अपने पास सहजे और लक का आनंद लें चीन में कसिनो या फिर कहीं भी जुआ खेलते वक्त ये ख़ास ध्यान रखा जाता है कि कोई आपके आसपास किताब ना पढ़ रहा हो ऐसी मान्यता है कि जुआ खेलने के दौरान अगर कोई आपके करीब किताब पढ़ रहा है तो आप हार सकते हैं यहाँ ये यह अजीब मान्यता भी है कि अगर आप जुए में जीतना चाहते हैं तो किसी प्रेग्नेंट महिला को अपने करीब बैठाएं हालांकि प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ जुआ खेलने से सख्त के साथ जुआ खेलने की सख्त मनाही है चीन में ये भी माना जाता है कि अगर आप पंद्रह दिन तक हर सुबह अपने हाथ पर लाल पेन से पैसा लिखें तो आपके घर में पैसा आएगा कभी आप साउथ अफ्रीका जाएं और तो घरों में गिद्ध के सिर का कंकाल लगा देखकर आप चौंकिएगा नहीं यहाँ ये प्राचीन मान्यता है कि गिद्ध के करीब होने से घर में पैसा आता है साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े गैम्बलर्स अपने घर में गिद्धों के सिर का कंकाल लगा के रखते हैं कभी यहाँ घर के करीब गिद्ध उड़ता दिखाई दे तो वह उस दिन को काफ़ी ख़ास माना जाता है बाएँ हथेली में खुजली होने का मतलब पैसा आना भारत की तरह तुर्की में भी ऐसा माना जाता है कि अगर आपके बाएँ हाथ की हथेली में खुजली हो रही है तो आपके पास कहीं से पैसा आने वाला है अग लेकिन दाएं हाथ की हथेली में हो तो आप सुकून है और पैसा खर्च हो जाएगा या फिर आपको किसी को देना पड़ेगा इसके अलावा यहाँ से ये भी माना जाता है कि अगर कभी सपने में आपके हाथ में सोना दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आने वाली सुबह या जल्द आपको पैसे मिलेंगे सड़क पर पैसा मिले और उस जगह पर क्रॉस बनाने का निशान बना दें रास्ते या सड़क पर बड़े पैसे को लेकर मैक्सिको के लोग अर्जेंट से ले अर्जेंटीना से ज़रा अलग सोचते हैं यहाँ के लोगों का मानना है कि जहाँ सड़क पर आपको पैसा मिले पैसा को उठाने के बाद वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बनाना ना भूलें ऐसी मान्यता है कि क्रॉस बनने के करने से आपके पास बड़ी मात्रा में पैसा आएगा इसके अलावा पीला कलर पहनना भी यहाँ पैसे के लिए अच्छा माना जाता है मैक्सिको के लोगों का मानना है कि अगर आप साल के आखिरी दिन अगर आप डिनर पार्टी में पीले कपड़े पहन कर जाते हैं तो इस इससे नए साल में आपके पास भरपूर पैसा मिलेगा जापानी लोगों का मानना है कि घर के करीब या फिर सांपों को दिखना शुभ संकेत और घर में पैसा आ जाता है आएगा अपने इस लक को बनाए रखने के लिए जापानी लोग सांपों की कैजुली और स्किन को बड़ी मात्रा में बेचते और ख़रीदते हैं इसके अलावा सांपों से जुड़ी कई चीज़ों पर भी यहाँ पे यहाँ के लोग अपने घरों पर रखते हैं इंग्लैंड में ऐसी मान्यता है कि अगर आप नए साल के मौके पर नए कपड़े पहनते हैं और उसमें पैसे रखते हैं तो इससे आपके पास पैसा और आएगा और इससे आप और नए कपड़े खरीद सकते हैं इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक व शेयर करें हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद